हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्विच सेक्शन या इसको ऑपरेशन सेक्शन भी बोलते हैं। इसमें लगा हुआ ऑन ऑफ स्विच है, वह ऑन ऑफ करने के बाद भी स्पिंडल चालू नहीं होता है, इसलिए रेड और येलो इंडिकेशन के लाइट लगा के स्विच ऑन ऑफ करके देखे तो वह स्पिंडल चालू नहीं हुआ। ज़्यादा करके इस पे लगा हुआ जो मैग्नेट होता है वह निकल जाता है और कई प्रॉब्लम भी रहते हैं, पर यह मैग्नेट निकलने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। इसमें रेड मार्किंग किया हुआ हिस्सा नीचे की साइड लेना है और दूसरा हिस्सा ऊपर जो सेंस करता है वह ऊपर की साइड में लेना है और नॉब में लगा देना है तो स्विच ऑन हो जाता है। जैसे ये और दूसरे मशीन में सेम नंबर वाला और सेम प्रॉब्लम वाला दूसरा और स्पिंडल है तो उसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो कवर निकाल के मैग्नेट चेक कर लेंगे कि सेम प्रॉब्लम है या कुछ अलग है, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे वायर कट होना या फिर ट्रैक कट होना। यह चेक करने के बाद में देखा कि इसका मैग्नेट ओके है लेकिन इसका ट्रैक जो है वह शॉर्ट हो गया है, क्योंकि इसके जो ब्रैकेट होते हैं वह टूट जाने की वजह से यह स्पिंडल की बॉडी में टच हो जाता है, इसलिए ट्रैक कट हो जाते हैं। तो हमने इसको स्पिंडल से निकाल लिया है और जो ट्रैक कट है उसको घिस के अच्छे से शोल्डर करके ट्रैक जोड़ना है। अगर ज़्यादा टूटा है तो उसमें छोटा तार जोड़ना पड़ेगा, अगर कम रहता है तो वो शोल्डर मार के हो जाता है। इसमें ट्रैक ज़्यादा लंबी टूटी है इसलिए हम छोटे से तार का टुकड़ा लगा के इसको शोल्डर करेंगे। और ये रेडी हो गया है। अभी इसको हम स्पिंडल में फिट करने के बाद में चालू किया तो देखिए वर्किंग होने लगा है। ये वही स्विच है जिसका ट्रैक टूटा हुआ था, चालू हो गया। शुक्रिया।